खड़ी थी तो कम बात हो पड़ती है। जमुना के किनारे से नीचे उतरने के लिए रास्ता है, वहाँ 22 कमरे हैं जो कि 1934 मेरी जानकारी के अनुसार 1934 के बाद से नहीं खुले हैं। उन कमरों में इस बात की संभावना है कि यदि उनको खोला जाए तो कोई नए रहस्य खुलेंगे। हो सकता है उसमें मुझे ऐसे चिन्ह मिल जाए जिससे लगे कि हाँ ये शिव मंदिर था, और हो सकता है ना मिले कुछ भी और ये बात तय हो जाए कि नहीं ये शिव मंदिर नहीं था, ये था। PNO साहब ने काफी पुष्ट प्रमाणों के आधार पर उस पुस्तक को लिखा है, वो पुस्तक ये साबित करती है कि ये शिव मंदिर था। इस बारे में मेरी PNO साहब से बात भी हुई है, उन्होंने मुझे इस संबंध में लेटर भी लिखे थे, पत्र भी उनके हैं। उन्होंने काफी ठोस आधार पर बड़े बलपूर्वक को कहते थे और उनके तर्क कुछ ऐसे हैं जो कि काटे नहीं जा सकते। नहीं, पूरे कमरे वो कभी नहीं खुले इस तरह से, और पिछले कुछ दिनों में ये ऐसा ही जो कुछ खोले थे कमरे जिनमें कुछ शिकायत थी टूट फूट की, उसमें गोपनीय तरह से काम हुआ था, वहीं के वहीं वो बंद कर दिए गए। इतिहास में ऐसा मिलता है कि ये जगह राजा जयसिंह की हवेली थी, उस सॉरी राजा जयसिंह का शिव मंदिर था और उसके मानसिंह ने इसे बनवाया था। मानसिंह जो जयसिंह का पोता था, उसके काल में जब भी मुमताज की डेथ हुई तो इस जगह को शाहजहां ने उससे मांगा जयसिंह से, और जयसिंह को इसके बदले में 4 हवेलियां उसने दी। तो इसका ये हो गया कि सीधे सीधे इमारत के स्वामित्व उसके पास था,